लेकिन वो जहाँ बाप घर में सो रहा है कि उसके सामने गाना गाएगी तो ठीक लगे। आई रिमेम्बर द जेस्चर ऑफ सचिन दा, आई बोलो आई बोलो लाइक अ यंग बॉय। अभी देखो अब बताओ क्या करोगे। इमेजिन द वे दे वर्क ऑन अ स्मॉल लिटिल डिटेल ऑफ अ कैरेक्टर ऑफ अ सिचुएशन ऑफ अ सॉन्ग and what words should come, what should not. आज वैसे हालांकि कम नजर आती है इस तरह की बहस में, हमें बता दिया जाता है कि एक आउटडोर का है, दुगाना है और शायद बैकवाटर्स में करेंगे उस मोर देन इनफ। आपको सिचुएशन बता दी और क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बहुत पूछा या किसी ने कहा कि आप इतना बता दिया, जरा सर खो जाती है कि ज्यादा अच्छा उनका ड्रेस क्या पहना हुआ क्या। इससे ज्यादा कुछ पूछने की ना जरूरत है ना वक्फा है ना। लेकिन दैट सज्जन था वो लाइक अ बॉय, जो देखने में इतने बुजुर्ग थे, उनका बिहेवियर, उनके अंदर वो जो यूथ, जो नौजवानी और ये जो बचपना और ये सारा, वो मेरा ख्याल है उनके साथ म्यूजिशियंस में काम किया जो आपके सामने आए थे और वो सब बता सकते हैं कि बच्चों की तरह वो रूठ गए थे, बच्चों की तरह से मरागोरा अंग ले ले जब ये लिखा गया तो 3 साल से रूठे हुए थे लता जी से, 3 साल के बाद उन्होंने ये गाना गाया मरागोरा अंग ले ले, वो बीच में 3 साल का उनसे भी रूठने का वक्फा है। और थोड़ी सी आदतन कुछ जो पंचम के टोटल अलग थी हुई था कि वो थोड़े से कंजूस थे और पंचम बहुत ज्यादा फराख दिल था, कभी कभी कह देते थे तुमको भी एक दिन पिलाएगा चाय। मेरे पंचम वाले टोटली डिफरेंट, वो तो बोतल खोल लिया करता था। सो आई थिंक इट्स म्यूजिशियन कंपोजर होने के अलावा वो जो प्रिंसली एक गेट उनका जो एक रॉयल्टी उनके अंदर झलकती थी, आई ऑलवेज से कि ही वाज अ प्रिंस ऑफ मेलोडी रियली, ही वाज अ प्रिंस इन हिज स्टाइल। शाम के वक्त अक्सर तो चुन्नट वाला कुर्ता, चुन्नट वाली धोती बांध के, आपने देखा है आप जानते हैं हारमोनियम पे वो पूरे गजरे का बांध के कलाई के ऊपर एक ग्लास हारमोनियम पे रख के and he would sit down on his composing and that was princely style really, which tarah se matlab taiyar ho ke puri tarah se and totally alag vidardi this wo image Sachin da ki ab bhi yaad aati hai aur mera wo gana hua gaane ke baad Sachin da suna ho gayi Sachin da se aur unse keh diya ki naye ladke naye ladke ke sath kaam nahi karega। बहरहाल दैट्स अनदर स्टोरी दैट विमलदा कॉल्ड मी और विमलदा ने मुझसे कहा कि देखो समबडी विद सच अफेक्शन हु टोल्ड मी कि हमको मालूम है तुम फिल्म में नहीं करना चाहता था काम, अच्छा गाना लिखा सबका लेकिन इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम, तुम हमारे साथ असिस्टेंट हो जाओ असिस्टेंट लेकिन you will not go back to that motor garage and waste your life. Come on, sit down. That I think with song and direction. Sachin da ke baare mein baaki log aur batayenge, but this was my beginning.